दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हस्ती हस्ती हस्ती। आपको जैसा कि पिक्चर से ही पता चल रहा है कि हस्ती किसको बोल रहा है, किसको बोला जा रहा है इस कविता में, एलिफेंट को, है ना। आप देख रहे हो ना, सामने एक एलिफेंट आपको नज़र आ रहा है ना। इस एलिफेंट के आपने बहुत सारे पोएम पढ़े होंगे, लेकिन कभी एलिफेंट के ऊपर कोई पोएम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो चलो बहुत मज़ा आएगा। आज हम लोग इस एलिफेंट के ऊपर एक पोएम पढ़ेंगे। आपने डिस्कवरी चैनल्स में या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एलिफेंट के बारे में बहुत कुछ देखा या सुना होगा, है ना। आज हम लोग उसी के बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं ये सारा कविता एक साथ पढ़ती हूँ ताकि आपको कैसे पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन पता चले। ओके बेटा, फर्स्ट आई विल रीड देन यू विल ट्राई। ओके चल स्टार्ट। चल मैं पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी ताकि आप मेरे पीछे बोलो। ओके चल बोलना शुरू करना। हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि दिव्य दैवी सृष्टि। फिर से बोलो। हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि। नेक्स्ट पैरा। कदली सदृशी शुंडा कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समान पाद। वंस अगेन देखो। कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समान पाद। ठीक है, फिर से मैं बोलती हूँ। हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समान पाद। नेक्स्ट देखो। सुरपाकारौ कर्णौ धवलौ दीर्घौ दंतौ। फिर से देखो। सुरपाकारौ कर्णौ सुरपाकारौ कर्णौ धवलौ दीर्घौ दंतौ। ओके फिर से बोलूँ। कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समानः पादा सुरपाकारौ कर्णौ धवलौ दीर्घौ दंतौ। नेक्स्ट देखो। उदरम भंडारकारम उदरम भंडारकारम उन्नत बृहत शरीरम उन्नत बृहत शरीरम। यहाँ पे क्या होगा, देखो संधि हो जाएगा। वही तो आज अच्छा है ना, तो में बदल जाएगा। अच्छा जो है श में बदल जाएगा। जब आप संधि पढ़ोगे ना तो आपको आगे पता चलेगा। उन्नत बृहत शरीरम अल्पम तुच्छम पूछम अल्पम तुच्छम पूछम अहो अहा विचित्रम। फिर से देखो मैं बोल रही हूँ। उदरम भांडा भांडा भांड आकारम आक्रम देखो आकारम। ठीक है देखो भांड फिर जो आ का मात्रा ना अ बन जाएगा आकारम आकार होता ना भाई। उदरम भांड आकारम उन्नत बृहत शरीरम अल्पम तुच्छम पूछम अहो आहा विचित्रम। के नेक्स्ट देखो। पर्वत सदृशे गात्रे पर्वत सदृशे गात्रे सघर्ष सानिभ नेत्रे सशर्प सानिभ नेत्रे कथम अति बलवान एष अंकुश मात्राद भीत। फिर से देखो। पर्वत सदृशे गात्रे देखो सरसप सरसप आएगा। ठीक है दो श एक साथ है रेफ है। देखो सरसप सनीप नेत्रे कथम अति बलवान ईशा अंकुश मात्राद भीत। इसको लिखा है जनार्दन हेगडे ने। के जनार्दन हेगडे ने। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखना, ये लास्ट टाइम पढ़ रही हूँ। ठीक है। हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना पादा कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना पादा शुर्पाकारौ कर्णौ धवलौ दीर्घौ दंतौ शुर्पाकारौ कर्णौ धवलौ दीर्घौ दंतौ। उदरम भांडारकारम उन्नत बृहत शरीरम उदरम भांडारकारम
उन्नत बिहत शरीरम अल्पम तुच्छम पूछम अहो अहा विचित्रम उदरम भांडा अकारकम कारम उन्नत बृहत शरीरम अल्पम तुच्छम पूछम अहो अहा विचित्रम पर्वत सदृशे गात्रे शशर्पसानि वनेत्रे कथम अति बलवान ईशा अंकुश मात्रात भीतर। ठीक है बेटा, हो जाएगा। अब देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले मैं आपको मीनिंग्स भी बताते जाऊँगी ताकि आपको क्या हो कि इजी हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। पहले मैं फर्स्ट पैरा की बात करूँगी। देखो, हस्ती हस्ती हस्ती, तो आपको पता ही है हस्ती एलिफेंट को बोलते हैं, तो एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। दिव्या दैवी सृष्टि, देखो यहाँ दिव्या दैवी सृष्टि लिखा है ना, तो दिव्या का अर्थ होता है बेटा यूनिक, मतलब कि सबसे अलग दिखे, जो यूनिक दिखे। और दैवी का मतलब होता है गॉडिश या फिर डिवाइन, भगवान के द्वारा बनाया हुआ। ओके, तो बताओ इस यहाँ पे मैं पहले हिंदी बताती हूँ फिर शायद इंग्लिश भी बता देती हूँ। पूरा के ये जो हाथी 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 तुम जो हो वो भगवान का एक अद्भुत सृष्टि हो, भगवान ने बहुत अद्भुत बनाया है तुम्हें। ठीक है, अब देखो एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। तुम जो हो वो जो गॉडेस का जो है यूनिक क्रिएशन हुआ, ऐसा और कोई क्रिएशन नहीं बनाया भगवान ने, है ना। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि, मतलब एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, तुमको जो भगवान ने बनाया है ना बहुत अद्भुत अनोखा बनाया है, है ना। एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। क्रिएशन मतलब बनाना, डिवाइन मतलब भगवान। ओके, फर्स्ट लाइन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर से बोलती हूँ, देखो हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि, मतलब एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। हाथी 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 तुम जो वो भगवान का अद्भुत क्रिएशन हो, भगवान ने तुम्हें बहुत यूनिक अलग सा बनाया है सृष्टि में। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो। अब नेक्स्ट है आपका कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना पाद। ओके, आ रहे समझ में। कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना पाद। अब देखो कदली क्या बोलते हैं संस्कृत में, बनाना या फिर केला को कदली बोलते हैं। सदृश मतलब होता है जैसा, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं लाइक, जैसे बोलते हैं ना लाइक मदर्स लाइक डॉटर, या फिर इट सिम्स लाइक, जो बोलते हैं ना एक जैसा जो दिखता है उसी को यहाँ पे सदृश बोलते हैं। सदृशी का मतलब होता है कि समान, मतलब कि बनाना के समान क्या है, सुंडा है। सुंडा का मतलब होता है ना, एलिफेंट का जो ट्रंक होता है ना उसको सुंडा बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ट्रंक को सुंडा बोलते हैं, जो सूर होता है ना उसको सुंडा बोलते हैं। तो कदली सदृशी सुंडा मतलब तुम्हारा जो ये ट्रंक है वो किसके जैसा दिखता है, केला के जैसा दिखता है ना। योर ट्रंक लुक्स लाइक अ बनाना। ओके, एलिफेंट योर ट्रंक लुक लाइक अ बनाना। क्या स्तंभ समान पादा, स्तंभ का इंग्लिश में मीनिंग होता है पिलर। कोई बड़ा सा पिलर देखे हो ना उसी को स्तंभ बोलते हैं ना। समाना मतलब सदृशी या जैसा, और पादा मतलब लेक। तो बना तो बोलने का मतलब है कि एलिफेंट तुम्हारा आपके जो तुम्हारा जो ये लेग है ना पादा, वो तो किसके जैसा दिखता है, पिलर के समान यानी स्तंभ के समान दिखता है। एलिफेंट योर लेग्स लुक्स लाइक अ पिलर, है ना, एज अ पिलर। ओके, फिर से देखो द एलिफेंट ट्रंक इज लाइक अ बनाना, एलिफेंट ट्रंक इज लाइक अ बनाना। कदली सदृश सुंडा मतलब तुम्हारा जो ट्रंक है वो बनाना जैसा दिखता है। द एलिफेंट्स ट्रंक इज लाइक अ बनाना, इट्स लेग्स आर लाइक पिलर्स। एंड लेग कैसे दिखता है, पिलर यानी स्तंभ होता है ना उसी के जैसा। लेग्स आर लाइक पिलर्स, जिस तरह पिलर को हिला नहीं सकते हो दीवार को, उसी तरह जो एलिफेंट का जो लेग है ना, अगर वो एक बार रख जाए तो आप उसको हिला नहीं सकते हो। और वो मोटा भी वैसे ही होता है, थिक भी वैसे ही होता है, इसलिए कभी नहीं इसके लेग को पिलर से
कंपेयर किया है, बराबरी किया है, स्तंभ समाना पादा। अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, कदली सदृशी सुंडा, मतलब सुंडा मतलब होता है ट्रंक, कदली मीन्स बनाना, सदृश मतलब लाइक लुक लाइक, स्तंभ मीन्स पिलर, समाना मतलब लाइक, पादा मतलब लेग्स, मतलब द एलिफेंट ट्रंक इज लाइक अ बनाना एंड लेग्स आर लाइक पिलर्स। और देखो दो अभी जो टू लाइन्स हुए बेटा उसको तो आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि, एलिफेंट 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 इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन, जो तुम्हारा क्रिएशन भगवान ने बनाया है सबसे यूनिक बनाया है, सबसे अलग बनाया है। कदली सदृश सुंडा स्तंभ समाना पादा, द एलिफेंट इज लाइक अ बनाना एंड लेग्स आर लाइक पिलर्स। के अब देखो नेक्स्ट थर्ड पैरा देखो, सर्प आकार कर्णव। अब देखो सर्प पता है किसको कहते हैं, तो जो आपकी मम्मी या फिर गांव में देखोगे किसी चीज़ को फटकने का काम में आता है ना, साफ करने का। देखो ये पिक्चर में देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ टूल्स में मैं करती हूँ तो आपको पता चलेगा, है ना, तो आपको पता चलेगा कि मम्मी किसको बोल रही है ना। देखो वन मिनट है, टूल्स में वेयर इज ब्रश। अब देखो ये जो है ना, रुको बेटा देखो ये जो है ना, ये देखो ये आपका जो है ये सूर्प, जो साफ करने के काम में आता है ना उसको ही सूर्प कहते हैं। तो आप देखो एलिफेंट का जो अरे आपको कैसा नज़र आएगा, एकदम जो साफ सुथरा का जिसे करते हैं ना उस सूप के जैसे ही नज़र आते हैं। विनोइंग ट्रॉफ है ना, शेप्ड जैसे साफ सुथरा करने के काम में विनोइंग ट्रॉफ जो होते हैं ना उसी के जैसे वो नज़र आते हैं। ठीक है, देखो ये पॉट के बगल में जो है ना उसी को बोलते हैं विनोइंग ट्रॉफ। ओके, अब देखो सूर्प आकार उसी को बोलते हैं, जो पॉट के बगल में ना उसी को बोलते हैं सूर्प आकार। ओके, अब देखो नेक्स्ट में बताती हूँ, पेंसिल कहाँ है, ब्रश कैमरा है। देखो नेक्स्ट है बेटा, शुर्पाकारो कर्णव धवलो दीर्घो दंतो। अब ईयर के बारे में तो बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं इसके टीथ के बारे में। धवलो, धवलो मतलब वाइट कलर का, दीर्घो मतलब लॉन्ग, दंतो मतलब टीथ, तो मतलब एलिफेंट के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम वाइट होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ओके, तो एलिफेंट्स ईयर्स आर विनोइंग ट्रॉफ सेप्ड, विनोइंग ट्रॉफ सेप्ड मतलब ये जो है ना वो जो पॉट के बगल में है उसके शेप का होता है, जिसे हम लोग किसी अनाज को झाड़ साफ करने के काम में जो आता है ना उसे कोई बोलते हैं विनोइंग ट्रॉफ। ओके, उसी के जैसे इसके शेप होता है। और जो टू टस्क होते हैं, टस्क या फिर आप इसको टीथ बोल सकते हो, तो वो कैसे होते हैं, टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। आप देखो इसके, देखो एलिफेंट के देखो टस्क नज़र आ रहे हैं ना, कैसे नज़र आ रहे हैं, वाइट नज़र आ रहे हैं ना और लॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। ओके, ये जो वाइट है उसको टस्क बोलते हैं कि वाइट है और लॉन्ग है। ठीक है, तब देखो इस जो पैरा था उस हम लोगों ने उसके एलिफेंट के ईयर के बारे में पढ़ा और टस्क या फिर टीथ के बारे में पढ़ा, तो इस जो इसके ईयर हैं वो कैसे हैं, वो हैं एकदम उसके जो ईयर है वो विनोइंग ट्रॉफ शेप के हैं। ये जो पॉट के बगल में है ना, देखो पॉट के बगल में जो पिक्चर दिया है, जैसे हम लोग क्रॉप्स को साफ सुथरा करने के काम में आते हैं उसी को बोलते हैं विनोइंग ट्रॉफ्स। ओके, शेप के जैसे। और जो उसके टीथ हैं वो कैसे हैं, वो लॉन्ग हैं और वाइट हैं। ओके, तो एंड टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग, फिर से मैं मिला के बात कर देती हूँ। ठीक है, इट्स ईयर्स आर विनोइंग ट्रॉफ शेप्ड एंड इट्स टू टस्क और टीथ आर वाइट एंड लॉन्ग। ओके, देखो अगर मैं ये दोनों पैरा का मिला के बात करूँ, तो द एलिफेंट ट्रंक इज लाइक अ बनाना, कदली सदृश सुंडा, लेग्स आर लाइक पिलर्स, स्तंभ समाना पादा, सर्प आकारो कर्णो, ईयर्स आर विनोइंग ट्रॉफ शेप्ड एंड इट्स टू टस्क धवलो दीर्घो दंतो, टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग इसके स्टमक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो
उदरम भांडा भांड भांडकारम, ठीक है, भांडाकारम, उदरम भांडाकारम, उन्नत बृहत शरीरम। ये देखो जब आप संधि करोगे तो उन्नत के बाद बृहत शरीरम आएगा, ठीक है, मतलब जो उसका स्टमक है, जो वो उसका शेप कैसा है, पॉट के जैसा है, कैसा है, पॉट के जैसा है, जिसमें भंडार का भांडाकारम लिखा है ना, मतलब पॉट के साथ जैसे उसके स्टमक है, शेप्ड लाइक अ पॉट। उन्नत बृहत, उन्नत बृहत शरीरम मतलब उसका जो बॉडी है वो बहुत ही हाई और ह्यूज है। ओके, यह मतलब सबसे पहले हम लोगों ने स्टमक के बारे में बात किया, इसके बाद उसके बॉडी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज और हाई है। फिर अल्प तुच्छम पूछम, पूछम टेल को कहते हैं, और जो उसका जो टेल है वो क्या है, बहुत स्मॉल है ना, इग्निसिफिकेंट, मतलब बाकी सबको की तुलना में उसको देखो तो वो नज़र ही ना आए, इतना छोटा है ना। अहो अहविचित्रम, ओह वाओ हाउ यूनिक, है ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कवि। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ, इट्स स्टमक इज पॉट शेप्ड, बॉडी इज ह्यूज एंड हाई, एंड टेल इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। ओह वाओ हाउ यूनिक, के अब देखो उसका जो स्टमक है वो किस शेप का है, पॉट शेप का है, उदरम भंडार कारम, उन्नत बृहत शरीरम, और जो इसका बॉडी है वो बहुत ही हाई और हैवी है, ह्यूज है, और जो पूछ है तो पूछा मतलब होता है टेल, अल्पम तुच्छम पूछम, इसका जो टेल पे बहुत टेल है जो वो बहुत स्मॉल है। अहो आ विचित्रम, ये बहुत अजीब सा विचित्र दिखता है, सारे शरीर को नज़र दे, शरीर को ध्यान दो तो टेल तो कुछ नज़र ही नहीं आए, इग्निसिफिकेंट मतलब उसका कोई असर ही नज़र ना आए, ऐसा बताना है कवि का कहना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, पर्वत सदृश गात्रे। ओके, गात्रे का मतलब होता है, अर्थ होता है बॉडी, पर्वत सदृश मतलब माउंटेन के जैसे, पर्वत के जैसे इसका शरीर है। देखो आप यहाँ पे दिखाया भी गया है ना, एलिफेंट के बगल में माउंटेन का पिक्चर है ना, मतलब जो एलिफेंट का जो बॉडी है वो पर्वत के जैसे है। शहर सशर्प सानिवनेत्रे, सशर्प मतलब होता है मस्टर्ड सीड, राइक जो होते हैं ना उसी को तो बोलते हैं। कवि का कहना है कि इसके जो आईज है ना वो एकदम छोटे छोटे मस्टर्ड सीड के जैसे दिख रहे हैं, है ना, जो बॉडी है वो माउंटेन जैसे दिख रहे हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन जो आईज है वो मस्टर्ड सीड, देखो ना कितने छोटे होते, जो राई होते हैं है ना, वही बोलते हैं कि एकदम मस्टर्ड सीड के जैसे इसके आईज है। कथम अति बलवान ऐसा, कवि का कहना कितना बलवान है ये देखो, लेकिन इतना बलवान हाथी भी क्या होता है, अंकुश मात्रात भीता, आपने रैबिट वाले लेसन में भीता का मतलब अर्थ पढ़ा है ना कि डर जाना, तो मतलब इतना बड़ा जो हाथी है लेकिन वो किससे कंट्रोल में आ जाता है, सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक। आपने महावत को देखा होगा ना, वो उसके ऊपर स्टिक लेके बैठता है, यानी जो ट्रेनर होता है एलिफेंट का, जो ट्रेनर होता है उसको क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं, वो सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से क्या करते हैं, एलिफेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि अंकुश मात्राद्विता, ये जी कथम अति बलवान ऐसा अंकुश मात्राद्विता, कि इतना बलवान स्ट्रांग एलिफेंट कैसे एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से क्या होता है, डर जाता है, भीता मतलब डरना। ओके, मैं फिर से बोलती हूँ, देखो टू पर्वत सदृश गात्रे, हाँ मीन्स इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी एंड टू मस्टर्ड सीड लाइक आईज। ओके, हाउ स्केयर्ड दिस एक्सट्रीमली स्ट्रांग एलिफेंट इज ऑनली विथ अ शार्प पॉइंटेड स्टिक। ओके, कभी क्या मतलब आपने समझा ना, इसका बॉडी पर्वत के जैसे है, इसके जो आईज है मस्टर्ड सीड के जैसे हैं, और ये जो इतना बलवान एलिफेंट है कैसे वो सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से डर जाता है। ओके, देखो मैंने इतना तो क्लियर करने का कोशिश किया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी मैं एक बार फिर से सारे को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना बेटा। दिव्या हस्ती हस्ती दिव्या देवी सृष्टि, के एलिफेंट 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 इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। कवि के कहना है कि हाथी 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 तुम जो हो भगवान का एक अनोखा अद्भुत यूनिक क्रिएशन हो, ऐसा भगवान ने किसी और को
नहीं बनाया है। कदली सदृश शुंडा स्तंभ समान पादा। कदली मीन्स होता है बनाना, सदृश मतलब होता है जैसा या लाइक, शुंडा मतलब होता है ट्रंक, स्तंभ मतलब होता है पिलर, समाना मतलब होता है जैसा, पादा मतलब होता है लेग। तो ऐसा बोलने का, कवि का बोलने का मतलब है द एलिफेंट ट्रंक इज लाइक अ बनाना। देखो आप इसके ट्रंक बनाना जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, और लेग्स आर लाइक पिलर, स्तंभ जैसे आप दीवार, जब कोई पिलर होता है तो आप उसको हिला नहीं सकते हो, इसी तरह एलिफेंट के लेग को भी क्या करते हो, आप हिला नहीं सकते हो। एंड ईयर्स आर विनोइंग ट्रॉफ शेप्ड, और ये जो इसके ईयर हैं, देखो ये जो पॉट के बगल में ना उस शेप के बारे में जिसे हम लोग अनाज को साफ सुथरा करने के काम में लाते हैं ना सूप, उसी को बोल रहा है उसी के शेप के जैसे इसके ईयर हैं। विनोइंग शेप है इसका, विनोइंग ट्रॉफ शेप है ईयर्स के इसके। ओके, धवलो दीर्घो दंतो, धवलो मतलब होता है वाइट, दीर्घो मतलब लॉन्ग, दंतो मतलब टीथ, मतलब इसके जो टीथ हैं वो लॉन्ग, जो टू टस्क या फिर टू टीथ हैं वो काफ़ी लॉन्ग और वाइट हैं, है ना। इट्स टू ट्रंक या सॉरी इट्स टू टीथ और टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखो, उद्रम भंडाकारम, मतलब जो इसका स्टमक है वो पॉट की जैसे दिखता है। देखो पॉट का, देखो यहाँ पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है ना, तो जो इसका स्टमक है वो कैसा शेप का दिखता है, पॉट के शेप का दिखता है। उन्नत बृहद शरीरम, और जो इसका ह्यूज बॉडी है वो बहुत ही, जो इसका बॉडी है बहुत ही ह्यूज और हाई है, बहुत मोटा है ना, और बहुत हैवी है। अल्पम तुच्छम पूछम, पूछम का मतलब होता है टेल, अल्पम का मतलब होता है बहुत छोटा, तुच्छम मतलब तुच्छ मतलब दिखाई ना दे ऐसा, तो इसका जो टेल है वो तो पूरे शरीर में कहीं दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा है ना, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कोई असर ही ना छोड़ जाए, सारे बॉडी को देखने लगे तो आप तो इसको टेल को देखना भूल ही जाओगे। अहो आहा विचित्रम, है ना, मतलब कोई कभी का कहना है कि ओ वाओ हाउ यूनिक, ये जो इस भगवान ने इसको क्रिएशन किया है, भगवान ने जो इसको बनाया है कितना विचित्र अनोखा बनाया है, ऐसा और कोई हमारे सृष्टि में और कोई ऐसा क्रिएशन नहीं है। पर्वत सदृश गात्रे, यहाँ पर्वत किसको कहा गया, माउंटेन, सदृश मतलब समान, गात्री मतलब बॉडी, तो जो ह्यूमन जो एलिफेंट का जो बॉडी है वो कैसा है, पहाड़ के समान है। देखो इसके एलिफेंट के बगल में माउंटेन का पिक्चर भी दिया हुआ है, वो ऐसा बता रहा है कि एलिफेंट का जो ह्यूज बॉडी है वो कैसे दिखता है, माउंटेन के जैसा दिखता है। सशर्प सानिभ नेत्र, और जिसके टू स्मॉल आइज है वो कैसे दिखते हैं, मस्टर्ड सीड के जैसे दिखते हैं, मस्टर्ड सीड मीन्स वो राई होता है ना वो। कथम अति बलवानिश अंकुश मात्राद्भितम, मतलब कैसे ये बलवान, इतना बलवान जो है हाथी है वो किससे डर जाता है, सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से क्या होता है, डर जाता है। आपने देखा होगा ना जो एलिफेंट ट्रेनर होते हैं जिसको महावत कहते हैं, वो किससे कंट्रोल करते हैं एलिफेंट को, सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से इसको कंट्रोल करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इतना बलवान हाथी जो है वो सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से क्या होता है, डर जाता है। भीता वाला आपने अर्थ शस्का वाला में भी, शस्का भीता जब परनम गिरा था तो पत्ता गिरा था तो डरा था ना, वहाँ भी आपने भीता शब्द पढ़ा था। जब आप एक चैप्टर में कोई वर्ड लर्न करते हो तो दूसरे चैप्टर से उसको रिलेटेड करके पढ़ा करो। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं फिर लास्ट पर आकर बोल रही हूँ। दे आर आर टू मस्टर्ड सीड लाइक आइज इन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी, मतलब इसके जो ह्यूज बॉडी है ना उसमें माउंटेन जैसे जो ह्यूज बॉडी है, जो आइज है वो कैसे हैं, मस्टर्ड सीड के जैसे हैं। हाउ इज केयर दिस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एलिफेंट इज ऑनली विथ अ शार्प पॉइंटेड स्टिक, ये जो एलिफेंट है जो इतना बलवान है वो कैसे डर जाता है, सिर्फ एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से डर जाता है। आई डोंट थिंक बेटा कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, मैंने हर पैरा को बार बार एक्सप्लेन किया है। चलो अभी मैं इसके अब हार्ड वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। हस्ती, हस्ती मीन्स होता है एलिफेंट, आपने तो जान देखा ही सुना ही बार बार। नेक्स्ट है दिव्या दैवी सृष्टि द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉडेस, एक्सप्लेनेशन में भी बोले ना कि जो एलिफेंट है वो गॉडेस का बेस्ट क्रिएशन है, ऐसा यूनिक क्रिएशन के भगवान ने और किसी को नहीं बनाया है। कदली सदृशी मतलब लाइक ए प्लांटेन ट्री, या फिर आप बनाना ट्री भी बोल सकते हो। सुंडा मतलब होता है ट्रंक। ओके, स्तंभ समाना मतलब लाइक अ पिलर, स्तंभ की जैसा।
सर्प आकारों, मतलब लाइक द शेप ऑफ विनोइंग बास्केट के, जैसे आप वो अनाज को साफ करने के यूज में लाते हो ना, जिसको देखो पॉट के बगल में वहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ, उसी को विनोइंग बास्केट कहते हैं। धवली धवली दीर्घ दंतों, मतलब टू वाइट टस्क, टस्क या फिर आप इसको टीथ भी बोल सकते हो। ओके, उदरम मतलब स्टमक, भांडकारम मतलब लाइक द शेप ऑफ ए पॉट, उसका जो स्टमक है वो कैसा दिखता है, पॉट के जैसा दिखता है। उन्नत मीन्स हाई, बृहत मतलब ग्रेट या फिर आप बिग बोल सकते हो। पर्वत सदृश मतलब लाइक अ माउंटेन, गात्री मतलब लिम्ब के मतलब या शरीर बॉडी भी बोल सकते हो। सशर्प मीन्स मस्टर्ड होता है, राई। सानिव मतलब लाइक, कथा मतलब हाउ तो कैसे। अंकुश मात्रात्म ओनली बाय कंट्रोल, अंकुश मात्रात्म मतलब ओनली बाय कंट्रोल। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, ध्यान से सुनना ठीक है। हस्ती मतलब एलिफेंट, दिव्या देवी सृष्टि मतलब द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉडेस। कदली सदृशी मतलब लाइक अ प्लैंटेन ट्री और फिर आप बनाना ट्री भी बोल सकते हो। सुंडा मतलब ट्रंक, स्तंभ समाना मतलब लाइक अ पिलर। सुपाकारो मतलब लाइक द शेप ऑफ ए विनोइंग बास्केट। धवली दीर्घा दंतो मतलब टू वाइट टस्क या फिर आप इसको टीथ भी बोल सकते हो। उदरम मतलब होता है स्टमक, भांडकारम मतलब होता है लाइक द शेप ऑफ ए पॉट, उसका जो स्टमक है वो कैसे दिखता है, पॉट जैसा दिखता है। उन्नत मीन्स हाई, बृहत मतलब ग्रेट या फिर बिग। पर्वत सदृश मतलब लाइक अ माउंटेन, गात्री मतलब लिम्ब या फिर इसके बॉडी भी बोल सकते हो। सशर्प मीन्स मस्टर्ड या फिर राई। सानिव मतलब लाइक, कथम मतलब हाउ, अंकुश मात्रात मतलब ओनली बाय कंट्रोल, क्या होता है ओनली बाय कंट्रोल है ना। फिर देखो, अब देखो यहाँ पे विशेष मतलब जब ये बड़ा था तो मैंने आपको बोला ना कि जब आप संधि करोगे तो वो उन्नत बृहत शरीरम आएगा। एक आता है बेटा संधि, जिसमें व्यंजन संधि में आता है कि प्रथम का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे च है ना, तो वो बदल के छ पांचवा वर्ण हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उन्नत आया है। फिर बृहत शरीरम आया है। कथम अति बलवान, मैं जब परीड कर रही थी, आपने देखा होगा कि मैंने तोड़ कर ही आपको बताया था, तभी आप रीड कर पाओगे। कथम अति बलवान मतलब किस तरह इतना बलवान के। उन्नत बृहत शरीरम कथम अति बलवान। अब देखो एक बार इसको, ये हार्ड वर्ड्स हमें एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, रिपीट करना ठीक है। फर्स्ट है दैवी, क्या है दैवी मीन्स गॉडेस। सृष्टि, सृष्टि मीन्स क्रिएशन, मैं इंग्लिश भी बोल दे रही ताकि आपको पता चलते रहे। दैवी मतलब गॉडेस, सृष्टि मीन्स क्रिएशन। कदली सदृश मतलब बना, लाइक बनाना, कदली सदृशी मतलब लाइक बनाना। सुंदर मतलब ट्रंक, स्तंभ समाना मतलब लाइक अ पिलर, क्या होगा लाइक अ पिलर, स्तंभ समान मतलब लाइक अ पिलर। फिर सुर्पाकारो मतलब वो क्रॉप्स अनाज को साफ सुथरा करने के काम में आता है ना जो सूप, उसी को बोलते हैं सुर्पाकारो। ओके, कर्णो मतलब ईयर, भांडाकारम मतलब वो पॉट के आकार का, याद है ना वही। उन्नत बृहत शरीरम, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप बोल पाओगे। उन्नत बृहत शरीरम पुच्छम, पर्वत सदृशे अंकुश मात्रात। ओके, हो जाएगा कि फिर से एक बार मैं बोल दूँ, बोलो फिर से बोल दो तो बोल देती हूँ। दैवी हो गया मीन्स गॉडेस, सृष्टि मतलब क्रिएशन, कदली सदृशी मतलब लाइक बनाना, सुंडा मतलब ट्रंक, स्तंभ समाना, अस्तंभ समाना मतलब लाइक पिलर। सुर्प आकारो कर्णो मतलब ईयर, भांडाकारम मतलब पॉट के लाइक पॉट। उन्नत बृहत शरीरम पुच्छम, पर्वत सदृशे अंकुश मात्रात। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एलिफेंट के जो बॉडी के पार्ट्स है ना, तो जैसे जैसा संस्कृत में आपको वहाँ पे लिखा गया है वैसे ही आपको भी बताना है संस्कृत में, ठीक है। आपको यहाँ पे वैसे ही लिखा गया है, लुकिंग एट द पिक्चर राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ एलिफेंट इन द बॉक्स लुकिंग एट द पिक्चर। आपको पिक्चर में देख देख के एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स के नेम बताने हैं, जैसे कि आइज हो गए, ट्रंक हो गए, टस्क हो गए, है ना। इसको आपको संस्कृत में जैसे पोएम में लिखा गया ना, बताया गया, वैसे ही आपको इसको बताना है, ठीक है। आप देखो ये जो है आपको
राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर ऑफ द गिवेन अगेंस्ट इच. अब जो जो आपको ये पोयम में जो जो आया है ना जिसके लिए वो वर्ड लिखना है. जैसे कदली लिखा है ना, केला के पेड़ को कदली, फिर शुरपा कारो है ना, स्तंभ समाना, फिर पॉट के बारे में जो बोला गया है ना, वो जैसे उधरम बोला था ना भांडा कारम, तो यहाँ पे भांडा कारम आएगा. ये सारा आपको करना है, ठीक है. इसके बाद देखो राइट द लाइन्स ऑफ द पोएम इथ विथ राइटिंग गुड हैंड राइटिंग में आपको बस जैसे लिखा है ना वैसे ही लिख देना है. हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि, कदली सदृश सुंडा, स्तंभ समान सुरपाकारो कर्णव, धवली दीर्घा दंतो. बस आपको देखकर सेम टू सेम लिख देना है. अब यहाँ देखो आपको बस ये मैचिंग करना है ए को बी के साथ. गात्री मतलब क्या होता है, शरीर है ना, कैसा था पर्वत सदृश से, तब वन को थ्री से मिलाओगे. दंत दात कैसा था, दीर्घा था ना, तो फाइव से करोगे. सुंडा है ना, सुंडा का मतलब क्या था, टस्क था ना, तब क्या लिखोगे, ये उद्रम को जैसे मिलाओगे आप किसे मिलाओगे, यहाँ भांडा कारम. फिर कर्णव कैसा था आप, उसका कर्णव था, इसका भांडा कारम नहीं था, कदली नहीं था, सुरपकारो. ओके यहाँ वैसे मिला दोगे, ठीक है. सुंडा जो था वो आपका टस्क ही तो था ना, सुंडा किसको बोले थे, ट्रंक को बोलते थे ना इसका, तो उसको आप उसके साथ मिला देना है ना, कदली सदृशी के साथ इसको मिला देना. अब मैं फिर से बता, देखो गात्री होगा, गात्री यानी शरीर, पर्वत सदृश है, ठीक है, वन का थ्री. दंतो जो चित है उसका वो कैसा है, दीर्घव है. सुंडा जो है वो मतलब ट्रंक उसका कैसा है, कदली सदृशी. फिर उद्रम कैसा है, पेट कैसा है, भांडा कारम. फिर कर्णों कैसा है, शुरपकारों. मैंने तो सब बता दिया, ठीक है. अब आप इसको आराम से कर लेना. चलो मैं अपना ये क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ. ओके बेटा, बाय.